हे गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं हूँ रीनू सिंह और आज हम सिखाने वाले हैं आपको ड्रॉपलेट्स बनाना। तो नॉर्मली हम ये वाटर कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं, नॉर्मल कैमलिन वाले कलर हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ की हुई है। जस्ट आप किसी भी शेप में ड्रॉप को ड्रॉ कर सकते हैं। ओवल शेप हो सकता है, सर्कल हो सकता है, या फिर यू शेप में भी हो सकता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आपको बस नीचे थोड़ी सी शेडो दिखानी है। शेडो का ध्यान ये रखना है कि आपको प्रॉपर लाइन ना दिखाई दे, वो डार्क टू लाइट हल्का हल्का नीचे आता रहेगा। और कुछ इस तरीके से वाइट कलर से हल्का सा उसमें शाइन दिखानी होती है। अभी तीन चार ड्रॉप्स मैं आपको दिखाऊंगी जो जस्ट शेडो एंड शाइन है, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ हैं। लेकिन आप बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं आगे जाके आपको ड्रॉ भी करूंगी। और जो आप ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स देख रहे हैं कितनी रियलिस्टिक लग रही है, तो ऐसे भी बना करके इसमें दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है, कोई मिक्सिंग नहीं करी है, और पूरी कोशिश की है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए नॉर्मल सर्कल बना हुआ है पेन से, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट जो भी कर रही हूँ आपकी आंखों के सामने कर रही हूँ। तो बस आप इसे मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आगे चल के आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगी, ड्रॉप और बनाऊंगी, और वो बड़ी ड्रॉप है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो अब बारी है ड्रॉप को ड्रॉ करने की। तो कुछ इस तरीके से आप कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी शेप ले सकते हैं आप। जब पानी गिर जाता है, जब उसकी बूंदें उधर बिखर जाती हैं, तो वो कोई भी शेप ले सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये थोड़ा सा कर्व करके सर्कल बनाया है। और ख्याल रखें कि जो ऊपर वाली पोर्शन से और नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है, ये हल्का सा हम फिल कर देते हैं कलर से और वो धीरे धीरे शेडो में आ जाता है, तो प्रॉपर लाइन नहीं दिखाई देती है। लेकिन किनारों से, लेफ्ट एंड राइट की साइड से आप कोशिश करें कि जितनी पतली लाइन हो उतना बेटर है। और प्रॉपर लाइन में दिखाई दे करके डार्क टू लाइट आता हुआ दिखाई दे। और ये कैसे करना है, ये पूरा प्रोसीजर आप इसमें देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इसमें कुछ भी मिस ना हो, आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। और हाँ, इसमें क्या रहता है ना वाटर कलर में, ये जल्दी जल्दी एकदम से इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं आता है, तो इसमें कई कोड करने होते हैं। अब ये देखिए मैं सेकंड कोड कर रही हूँ, थर्ड करूँगी, फोर्थ करूँगी, मतलब कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए। जब तक कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा वो 3D इफेक्ट नहीं आ पाएगा। जितना कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ही मज़ा आएगा इसमें। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मैं मिलती हूँ आपकी वीडियो के अंदर।
तो अभी हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट चल रहा है, मतलब ये ड्रॉप मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से शेडो में भी हल्की सी शाइन दिखाई देती है जब ड्रॉप में लाइट दिखाई दे रही होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम शेडो में कर देंगे। और ये अब हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।